हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज का प्लांट वीडियो टॉपिक है कि आप अपने प्लांट्स को हेल्दी और लश ग्रीन बनाकर कैसे रख सकते हैं, इसके टिप शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी काम आप करें कि जब भी आप नए पौधे लेकर आते हैं तो गमलों का चयन करें, ऐसे गमलों का जिसमें प्लांट हेल्दी बने रहते हैं। तो मिट्टी के गमले और जो सीमेंट के गमले होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो आप अगर आउटडोर प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगी कि आप लोग मिट्टी के गमले या सीमेंट के गमले ही चुनें अपने पौधे को लगाने के लिए, उसमें प्लांट बहुत लंबे वक्त तक अच्छे से ग्रो होता रहता है। लेकिन अगर आप इंडोर प्लांट लगा रहे हैं तो आप अपने इंडोर प्लांट को ऐसे मिट्टी के गमले में या फिर सीमेंट के गमले में लगाकर घर के अंदर रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आप सेरेमिक पॉट्स का ही चयन करते हैं। तो सेरेमिक पॉट्स में भी आप अपने प्लांट को हेल्दी और लश ग्रीन बनाकर रख सकते हैं। तो आप जिस भी सेरेमिक पॉट का चयन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं लगाने के लिए, चूज़ कर रहे हैं अपने प्लांट को लगाने के लिए, उसका सबसे पहला ड्रेनेज होल देखें कि उसका अच्छा है या नहीं। दूसरा काम आप करें कि उसकी मिट्टी जो है वो बहुत हल्की बनाएं। जैसे मिट्टी बनाने के लिए आप एक हिस्सा अगर मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें एक हिस्सा सैंड, जिसे बालू, बजरी, रेत भी बोलते हैं, रिवर सैंड भी बोलते हैं जिसको, वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर रेत नहीं है आपके पास, रेत नहीं मिल रहा है क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो वहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो रेत अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक हिस्सा कोकोपीट मिला लें सॉइल मिक्सचर में और एक चम्मच कोई भी अच्छा सा फंजीसाइड पाउडर अगर आपके पास है तो वो आप मिला लें। इसके साथ वर्मी कंपोस्ट मिला लें, अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास खाद के तौर पे है या फिर गोबर की खाद है तो वो मिला लें। दोनों में से कोई भी एक खाद आप उसमें मिला सकते हैं और इन सारी चीज़ों को मिलाकर फिर उसका सॉइल मिक्सचर रिपोर्टिंग जो आप करते हैं प्लांट की, वो रिपोर्टिंग कर लें। इसके बाद मैं बताऊँ आप लोगों को कि प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए तीसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है, वो क्या होती है, वो होती है वाटरिंग। आप अगर प्लांट में वाटरिंग अगर बैलेंस्ड वे में नहीं करते हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो उससे प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये प्रॉब्लम आती है प्लांट में, और ज़्यादातर जो पौधे होते हैं ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब होते हैं। दूसरा कि अगर आप कम पानी भी देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पानी होता है जड़ों तक पूरी तरह से पहुंचता नहीं है, तो आपने जो प्लांट में खाद दिया होता है प्लांट के गमले में वो पूरी तरह से जड़ों तक नहीं पहुंचता, प्लांट को न्यूट्रिशन इस तरह से अच्छे से नहीं मिल पाता है और फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है धीरे धीरे करके एक समय के बाद, या फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो होना बंद हो जाती है पूरी तरह से। तो इसीलिए बैलेंस्ड वाटरिंग करना हेल्दी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप बैलेंस्ड पानी डालें अपने गमलों में। अगर आप इंडोर प्लांट्स में पानी डाल रहे हैं तो इंडोर प्लांट्स तो आप घर के अंदर ही लगाएंगे, तो सेरेमिक पॉट्स में आपने लगाया होगा। सेरेमिक पॉट्स में अगर आप लगाते हैं तो उसमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत लंबे टाइम तक सेरेमिक पॉट्स में पानी जमा रहता है गमले में। तो जब भी आप पानी गमले में देते हैं तो आप मिट्टी को चेक करें उंगली घुसाकर कि नीचे की मिट्टी पूरी तरह से सूखी है कि नहीं, क्योंकि गमले की जो मिट्टी होती है ऊपर से सूखी दिखाई देती है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से गीली होती है। ऊपर से देखकर हम सोचते हैं कि मिट्टी सूख गई है, पानी डाल देते हैं और इसकी वजह से जो है प्लांट जो है पूरी तरह से धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। तो बैलेंस्ड वाटरिंग करना इसीलिए प्लांट में बेहद ज़रूरी है, ख़ास तौर से इंडोर प्लांट्स के लिए जो कि आपने घर के अंदर रखा हुआ है। तो अच्छे से आप पहले चेक कर लें मिट्टी, फिर पानी डालें। तीसरी चीज़ प्लांट के लिए हेल्दी रहने के लिए उसका न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर न्यूट्रिशन प्लांट को सही से नहीं मिलता है, सही मात्रा में नहीं मिलता है तो उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र मंथली डालें आप लोग, हर महीने, चाहे तो गोबर की खाद, जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट आप डालें, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा किसी भी प्लांट में खाद ना डालें, वरना आपके प्लांट्स में बहुत तरह के गलत साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं प्लांट को ख़राब करने वाले, जैसे प्लांट्स की पत्तियाँ काली होने लगेंगी,
प्लांट ख़राब होने लगता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें। अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया है तो गमले में, अगर वेल ड्रेन गमला आपका है, मिट्टी अच्छी बनी है, पानी निकल जाता है थोड़ी देर में, तो कुछ दिनों तक लगातार बहुत पानी डालें उसमें भर भर के, उसके बाद बैलेंस्ड बन जाएगा खाद और मिट्टी का कुछ दिनों तक आपके गमले में, और फिर जो है आपका प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। इसीलिए प्लांट में इतनी मात्रा में ही खाद डालें जिससे कि प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। अगर प्लांट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। और सबसे, इसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, होती तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। धूप मिलने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी। वैसे तो धूप इनडोर प्लांट्स को बहुत कम चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है अच्छे से। इसको भी जैसे वीक में आप एक बार कम से कम दिखा दें, या महीने में 2 से 3 बार नहीं हो सकता है, तो कम से कम एक बार ही अच्छे से धूप दिखा दें, 4-5 घंटे की एक ही बार। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक ही दिन आप दिखा दें, लेकिन सुबह की हल्की धूप दिखाएं, 4-5 घंटे की धूप दिखाएं लेकिन हल्की धूप दिखाएं। कड़ी धूप दिखाएंगे तो आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो कड़ी धूप ना दिखाएं इंडोर प्लांट्स को कभी भी। तो धूप मिलने से प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, कीड़े मकौड़े लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो बहुत हेल्दी बने रहते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स को धूप दिखाना बेहद ज़रूरी होता है। ये तो टिप्स हो गए प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए। अब प्लांट को ग्रीन बना के रखना है, लश ग्रीन है तो एकदम हरा भरा आपका प्लांट कैसे बना रहे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक फर्टिलाइज़र बताती हूँ, एक नहीं दो बताती हूँ, जो कि मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। तो वो फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स एप्सम सॉल्ट, और दूसरा एनपीके। एनपीके अगर आपके प्लांट में पत्तियाँ नहीं आ रही है तो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। प्लांट्स में अगर पत्तियाँ नहीं आ रही है तो पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो मैं जो डालती हूँ महीने में, वैसे तो मैंने कई महीनों से नहीं दिया अपने पौधों में खाद, लेकिन बहुत अच्छा असर होता है प्लांट के ऊपर। तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र अगर अपने प्लांट में देना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच एनपीके किसी भी रेशियो का, बहुत सारे रेशियोज़ में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी मिल जाता है बहुत आसानी से, और आप लोगों को किसी प्लांट नर्सरी में भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में हो तो अच्छा रहता है, देने में आसानी होती है। अगर ग्रैनुल्स यानी कि दानेदार फॉर्म में हो तो देना मुश्किल होता है, तो उसके दाने गिन के आपको देने पड़ेंगे, और दाने जो होते हैं बहुत जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते हैं पानी में या फिर मिट्टी में, मिलते नहीं है, टाइम लगाते हैं, तो इससे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और पाउडर फॉर्म में हो तो इजी हो जाता है, आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिला लें एनपीके, और साथ में 1 चम्मच एनपीके के साथ एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच मिला लें। एप्सम सॉल्ट प्लांट्स के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपका कोई नया पौधा आपने लगाया है वो अगर मरने लगा है, मुरझाने लगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है अच्छे से, या आपको लगता है कि बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, तो आप उसमें 1 चम्मच, अगर छोटा गमला है तो उसमें 1/2 चम्मच भर के और 1/2 लीटर पानी में मिक्स करके उसकी जड़ों में डाल दें एप्सम सॉल्ट, और फिर पानी अच्छे से दें, शेडेड एरिया में रखें प्लांट को, प्लांट के ऊपर शावरिंग करें, और ध्यान रखें कि प्लांट गमले की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूखनी नहीं चाहिए, या बहुत ज़्यादा पानी भी ना डालें गमले में, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी, लॉन्ग वीडियो शेयर किया हुआ है कि रिपोर्टिंग शॉक में गए हुए प्लांट को आप कैसे दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं, आप चाहे तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आप प्लांट को हरा बनाने के लिए आप एप्सम सॉल्ट और एनपीके को डिसॉल्व करके महीने में 2 बार, 15 दिन में 1 बार डालें, प्लांट के ऊपर पूरी पत्तियों को, पूरे प्लांट को नहला दें, और बाकी बचा पानी इसकी जड़ों में डाल दें, तो उससे प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है, प्लांट लश ग्रीन बना रहेगा और हेल्दी बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ आप, ये सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट पक्का हेल्दी और जो है लश ग्रीन बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।